तो हेलो एवरीवन, चित्रकूट राइड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग होटल को चेकआउट करके निकल आए हुए हैं और ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये चित्रकूट का आई हॉस्पिटल का गेट है। जो आई हॉस्पिटल है चित्रकूट में, वो यहीं पर है। और चित्रकूट में बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिर बने हुए हैं। आप अगर जैसे सतना रोड साइड के लिए निकलते हैं, वहीं पर ये सारे टेम्पल पड़ते हैं। सती अनसुईया और भी जो जो गुप्त गोदावरी, ये सारे टेम्पल रोड में ही जाते टाइम पड़ते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने बैग पैक किया और चित्रकूट के लिए से निकल चुके हैं, क्योंकि अब जो प्लेसेस पड़ेंगी वो हम लोगों को रोड में ही पड़ेंगी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सारी प्लेसेस घूमते हुए और वहीं से फिर सिहोरा के लिए निकल जाएंगे। तो तो दोस्तों, दोस्तों अपन इस वीडियो में अब जो सबसे पहली प्लेस घूमने जा रहे हैं चित्रकूट में, उसका नाम है स्फटिक शिला, जो कि चित्रकूट में ही लगा हुआ टेम्पल है। और दोस्तों, स्फटिक शिला की मान्यता यह है कि भगवान राम ने जो सीता माता का पहली बार यहीं पर श्रृंगार करने जा रहे थे, और भगवान इंद्र के पुत्र गरुण जो हैं यहाँ पर आए और सीता माता के उन्होंने पैर में चोंच मार दी थी। उसके बाद भगवान राम ने गुस्से में उन्हें बाण मार दिया था और उनकी एक आँख जो है खराब हो गई थी। उसके बाद भगवान राम से उन्होंने माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, ये रही वो शिला, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्फटिक शिला के हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये राम दर्शन है। ये इकलौता चित्रकूट का म्यूज़ियम है। इसके अंदर 20 रुपीज़ की टिकट लगती है। इसके पहले भी जब मैं आया था तो मैं अंदर गया हुआ था। तो आप अगर आते हैं तो आप जा सकते हैं। मैं अभी जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी लेट हो रहा है। अभी 250 किलोमीटर की राइड और करनी है, और अभी चित्रकूट की दो प्लेसेस और भी घूमनी है, और अभी खाना भी खाना है, तो काफ़ी लेट हो जाएगा। इसलिए हम लोग निकल चुके हैं चित्रकूट से। तो दोस्तों, अगली प्लेस जो अपन घूमने वाले हैं चित्रकूट में, उसका नाम है सती अनसुईया टेम्पल, जो कि चित्रकूट से करीब करीब 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। ऑलमोस्ट जंगल में ये टेम्पल बना हुआ है और बहुत ही प्यारी लोकेशन है। मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही प्यारी लोकेशन में बना हुआ मंदिर है और बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर मंदिर है सती अनसुईया जी का। आप अगर चित्रकूट आते हैं तो इस मंदिर को, मेरी मानिए तो एक ये मंदिर और एक गुप्त गोदावरी, ये दो टेम्पल तो घूमने आप ज़रूर आएं। तो दोस्तों, सती अनसुईया जी का जो जाने का रास्ता है वो जंगल से होकर गुजरता है, और इसी जंगल में आपको बहुत सारे मोर भी देखने मिल जाएंगे और रोड पर बैठे बहुत सारे बंदर भी देखने मिल जाएंगे। तो आप जो अपनी गाड़ी है उसको आराम से चलाएं, ताकि इन जानवरों को भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी कोई हानि ना पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है, और जो मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है वो सती अनसुईया से ही होकर निकला हुआ है। लोगों का मानना यह है कि सती अनसुईया जो देवी जी थीं, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की और उसके बाद ही मंदाकिनी नदी का यहाँ से उद्गम हुआ था। तो दोस्तों, आप अगर चित्रकूट घूमने आते हैं और अपनी फोर व्हीलर से अगर घूमने आते हैं, तो थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि मैंने एक बात नोट की हुई है कि जितनी भी प्लेसेस हैं घूमने के लिए चित्रकूट में, वहाँ पर टोल टाइप का लगता है अंदर आने के लिए प्लेसेस में, क्योंकि पता नहीं क्यों यहाँ पर फोर व्हीलर वालों से पैसे लिए जाते हैं, जबकि टू व्हीलर वालों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं और है। दोस्तों, एक बात और, आप अगर फोर व्हीलर से आते हैं तो आपकी जो फोर व्हीलर है वो पीछे ही रोक दी जाएगी। करीब करीब आधा किलोमीटर का आपको वॉकिंग डिस्टेंस जो है मंदिर तक का, वो पूरा करके आना पड़ेगा। और आप अगर अपनी टू व्हीलर से आते हैं तो आप मंदिर के जस्ट सामने तक अपनी टू व्हीलर ला सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपनी जो टू व्हीलर है वो मंदिर के सामने तक ले आए थे, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से मेरे साथ जो लोग थे उनको मैंने उतार दिया था। तो दोस्तों, आपको यहाँ बहुत सारी दुकानें भी देखने मिल जाएंगी। आप अगर प्रसाद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली प्रसाद ले सकते हैं, और भी बहुत सारी खाने पीने की भी शॉप्स हैं। बाकी आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, ये रहा सती अनसुईया जी का टेम्पल, जो कि आप देख सकते हैं जो बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इसमें महाभारत काल की भी कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिसमें आप ये साइड वाली मूर्ति देख सकते हैं, जिसमें कृष्ण जी जो हैं वो सारथी हैं और अर्जुन जो है वो रथ पर सवार हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर मुझे लगा। अभी तक चित्रकूट में जितने भी टेम्पल बने थे, उनसे सबसे सुंदर जो मंदिर मुझे लगा वो यही मंदिर है।
और काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। और ये जो है मंदाकिनी नदी जो कि सती अनुसुईया की जस्ट सामने ही मंदिर के बनी हुई है। और चलिए दोस्तों मैं आपको मंदिर अंदर से घुमाता हूँ कि ये मंदिर कैसा बना हुआ है। तो दोस्तों आप जैसे ही मंदिर के अंदर आते हैं तो आप स्टार्टिंग इन शंकर जी के दर्शन करते हुए, इनको जल अभिषेक करते हुए और फिर मंदिर के अंदर एंट्री लें। आज शायद संडे की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है। और दोस्तों ये जो वीडियो रहेगी थोड़ा सा लंबी रहेगी क्योंकि इसी वीडियो में, सिंगल वीडियो में ही ये मैं पूरा मंदिर जो है कवर कर दूंगा। तो दोस्तों आप मंदिर के अंदर जैसे ही आते हैं तो आपको यहाँ पर महाराज जी की एक समाधि भी देखने मिलेगी। यहाँ पर बहुत से महाराज जी की समाधि बनी हुई है, मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता है। और दोस्तों ये जो है ये पूरा मंदिर का अंदर बना हुआ एरिया है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा मंदिर है। ये आप देख सकते हैं कि मंदिर का कुछ अंदर से इस प्रकार का नज़ारा है। और ये आप देख सकते हैं महाकाल की मूर्ति बनी हुई है और ये पूरी रामायण जो है वो मूर्तियों के द्वारा डिस्क्राइब की गई है। ये आप देख सकते हैं कि सारी जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं ये कहीं ना कहीं रामायण और महाभारत से जुड़ी हुई मूर्तियां बनी हुई हैं। आप ऐसी मूर्ति पूरी ही मंदिर में देखेंगे जो कि आपके मन को जो है मोह लेंगी। और बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। आप आएंगे तो यहां पर जब आप आते हैं ना दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें पहले तो, क्योंकि आप जब यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा सा 2 से 3 घंटे का टाइम निकाल कर आएँ क्योंकि ये जो मूर्तियाँ हैं आप इनको देखें और इनके जो नीचे पूरा इन मूर्तियों के बारे में लिखा हुआ है कि ये रामायण या महाभारत में कहाँ का सीन है, तो आप खुद ये मूर्तियों को देखकर समझेंगे और देखेंगे कि कितनी खूबसूरत तरीके से ये मूर्तियाँ बनाई भी गई हैं और लिखा गया है, जो चित्रण सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, उनके साथ में हनुमान जी भी विराजमान हैं। ये आप देख सकते हैं ये भी महाराज जी की ही समाधि स्थल है। ये पूरे मंदिर में आप देख सकते हैं ये भी एक मूर्तियाँ बनी हुई हैं कुछ, तो काफ़ी अच्छा मंदिर आपको लगेगा। और ये मंदिर में आप जैसे ही आते हैं, अगर ठंड के टाइम में आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ठंडक भी महसूस होगी, और गर्मी के टाइम में आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये जो है पूरा पहाड़ के नीचे बना हुआ टेंपल है और नीचे जो है पूरा टाइल्स लगे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर जो है ना एक ठंडक महसूस होगी और सामने से जो है नदी भी लगी हुई है, शायद इस वजह से भी इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा ठंडक थी। तो दोस्तों इस मंदिर को घूमकर आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ये बात ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये मंदिर पूरा। और अभी तक अगर आप लोगों ने दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 9 थी इस पूरी सीरीज़ की, तो अभी तक अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख लें और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें मेरे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी गुफा घुमाता हूँ जो इस मंदिर में है। तो ये रही वो गुफा जो कि इसके अंदर तो है तो ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी एडवेंचरस इसमें अंदर बनवाया गया है। काफ़ी अच्छा यानी डिज़ाइन इसमें, पेड़ पौधे, यानी आपको देखकर लगेगा नहीं कि ये सब सीमेंट से बना हुआ है, काफ़ी ओरिजिनल बना टाइप का लगेगा देखने में। तो चलिए दोस्तों इस एरिया को घूमने के बाद अब अपन बाहर के साइड निकलते हैं। ये जो बाहर साइड जाने वाला रास्ता है ये अपन ने जो मंदिर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ये जो अपन आ गए हैं ये मिडिल वाला पार्ट है मंदिर का। अब अपन ने अभी एक ही साइड घूमा है, अब अपन दूसरे साइड मंदिर का घूमेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ से मंदिर 2 भागों में डिवाइड है और काफ़ी बड़ा हॉल टाइप का ये बना हुआ है। इसमें आप झूमर भी देख सकते हैं, कितनी बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर मंदिर है। तो चलिए दोस्तों अब बाकी का जो बचा हुआ मंदिर है हम वो भी घूमते हैं। और ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं यहाँ पर समाधि है महाराज जी की, और इसी समाधि वाले मंदिर से आपको बाहर जाने का रास्ता भी मिलेगा। ये आप सामने देख सकते हैं पूरी समाधि है और ये यहाँ पर भी मूर्तियों का पूरा आप देख सकते हैं चित्र बने हुए हैं। और दोस्तों ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये मंदिर की एग्जिट की तरफ ले जाएगा आपको। और अभी हम लोग जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं मंदिर के, और ये आप सामने एक और समाधि देख रहे होंगे महाराज जी की, ये लास्ट समाधि है। इसके बाद जो है
मंदिर में जो मूर्तियां हैं और समाधि ये ख़त्म हो जाता है, आप मंदिर से एग्जिट की तरफ निकल आते हैं। तो दोस्तों ये मंदिर जो है मुझे घूमकर बहुत ही अच्छा लगा, और इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो पर, जहाँ पर गुप्त गोदावरी के बाद हम लोग सिहोरा के लिए निकल जाएंगे।